दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए आपको बताना चाहते हैं, अगर आप टीचर की वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरे हैं, सरकारी टीचर भर्ती के फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आज हम बताएंगे कि कैसे आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे और ये जारी हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फरवरी को ये जारी हुआ है और देखिए इसके अंतिम तिथि जो है अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यालय निर्देशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान में ये आपकी पोस्ट निकली हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं अध्यापक प्रथम लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें टोटल जो पद सामान्य के लिए है वो यहाँ पे आप देख सकते 3500 है और इसके साथ टोटल जो कुल जो पदों की संख्या है वो 3560 यहाँ पे पदों की संख्या है। तो आवेदन कैसे करना है, कब कब आवेदन करना है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिक्रूटमेंट का यहाँ पे पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन आप लोग फॉर्म जरूर भर दें। और फॉर्म के लिए दोस्तों यहाँ पे आप तिथि भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो भरने की अंतिम तिथि है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतिम तिथि तक आपको ये फॉर्म भर देना है। और देखिए यहाँ पे आपका जो मिनिमम जो है पास जो परसेंटेज मांगा गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% होना चाहिए और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो है 55% है और अनुसूचित जनजातियों के लिए वहां पे 36% दे रखा हुआ है, जो कि न्यूनतम पासिंग परसेंटेज यहां पे मांगा गया है। और इसके साथ साथ आगे हम बताते हैं कि जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको यहाँ पे बता जाते हैं। देखिए आप लोगों को जो पॉइंट नंबर 7 है वो अच्छे से समझ लीजिए कि एक से ज्यादा जो है आवेदन करने का अंतिम जो है पत्र जो है मान्य होगा और अंतिम आवेदन में सूचनाएं अधूरी, अपूर्ण या त्रुटिफुल पाई गई तो उसके लिए जो है आवेदक स्वयं जिम्मेदार हो गया। और इसके लिए आपको और बताना चाहते हैं कि जो फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन फीस है वो हम आपको बताना चाहते हैं। सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपये है और OBC के लिए भी यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है। साथ ही साथ राजस्थान के राज्य के जो भी राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति और के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 70 रुपये जो है फीस रखी गई है और अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे 60 रुपये रखा गया। और देखिए जो यहाँ पे महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे जो रखी गई फीस वो 60 रुपये रखा गया है। तो देखिए आवेदन शुल्क जमा करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, ऑनलाइन आवेदन के साथ आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए वेबसाइट हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वेबसाइट पे आपको जाके फॉर्म भरना है www.sso.rajasthangov.in। तो ये फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हैं, इसका हमने नीचे लिंक भी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली नीचे लिंक से आप ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट का नाम है www.sso.rajasthan.gov.in। ये वेबसाइट ऑफिशियली, यहाँ पे आप जाके फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आगे आपको बताना चाहते हैं कि जो यहाँ पे मेन जो है इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि देखिए न्यूनतम जो है आपका 50% अंकों के साथ जो है आपका जो माध्यमिक अथवा समकक्ष के रूप में जो है आपका यहाँ पे जो है इक्वेलेंट जो है आपका यहाँ पे लिया जाए सीनियर सेकेंडरी के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर 2 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक एलिमेंट्री जो है यहाँ पे एजुकेशन के लिए यहाँ पे मान्य होगा। और उसके बाद ही यहाँ पे देख सकते हैं, अथवा अगर आपके पास ये नहीं तो आप देखिए 45% अगर आपके अंक हैं तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। और दोस्तों देखिए ये नोटिफिकेशन मैं नीचे आपको पूरा फिलअप करके दे दूंगा, तो आप डाउनलोड करके खुद से खुद आप ये डाउनलोड करके नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी जिसमें आपको हमने बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे महिलाओं के लिए जबरदस्त भर्ती निकली है, गवर्नमेंट वैकेंसी है और जो कि राजस्थान पोस्ट के लिए ये यहाँ पे निकले हुए आवेदन, तो आप लोग इसको आवेदन जरूर कर दें। निर्देशक कार्यालय में प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस लास्ट डेट तक पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। ओके दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिए।